प्यार में धोखा, पति से तलाक लेकर बेटी से बिछड़ने तक रीना रॉय की जिंदगी से जुड़ी है कई दर्द भरी कहानियां। हाल ही में एक्ट्रेस ने किया अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज का खुलासा। रीना रॉय 70 से 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री थी। उन्होंने लगभग सभी बड़े स्टार के साथ काम किया। सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी पसंद की गई थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। उस दौरान मीडिया में दोनों की लव स्टोरी भी काफी सुर्खियों में रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 7 सालों तक डेट किया था, लेकिन आखिर में दोनों का रिश्ता टूट गया। शत्रुघ्न सिन्हा से ब्रेकअप के बाद रीना की जिंदगी में उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। इन दोनों ने फिर 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद रीना पाकिस्तान चली गई और हंसी खुशी अपना जीवन वहां मोहसिन के साथ गुजारने लगी। शादी के बाद रीना और मोहसिन की एक बेटी हुई जिसका नाम जन्नत रखा गया। हालांकि बेटी के जन्म के कुछ साल बाद ही 1990 में दोनों का तलाक हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रीना अपने पति मोहसिन के लाइफस्टाइल से खुद को जोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रीना ने खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड मोहसिन से तलाक क्यों लिया था। रीना रॉय ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्व पति मोहसिन खान से इसलिए तलाक लिया था क्योंकि वो चाहते थे मैं उनके साथ लंदन रहने के लिए चलूं और ब्रिटिश नागरिकता ले लूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मोहसिन ने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए बेताब हो जाऊंगी और अंत में लंदन जाने और वहां बसने के लिए भी राजी हो जाऊंगी। हालांकि रीना ने मोहसिन की ये बात नहीं मानी और उन्होंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि तलाक के बाद मोहसिन ने रीना से उनकी बेटी जन्नत को छीन लिया था। रीना रॉय ने बेटी को वापस पाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से मदद मांगी। पूर्व प्रेमिका की मुश्किल में शत्रुघ्न ने उनका साथ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी के दोस्त थे और इसी कारण उनके घर शत्रुघ्न का आना जाना था। जब रीना की मुश्किल के बारे में उन्हें पता चला तो ये बात उन्होंने जियाउल हक से कही। उन्होंने अनुरोध किया था कि रीना को उनकी बेटी की कस्टडी मिल जाए। जियाउल हक ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात मानते हुए जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को दिलाने में मदद की। रीना रॉय की बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी है। मां की तरह उन्होंने फिल्मों में करियर नहीं बनाया। मां बेटी दोनों मुंबई में ही रहती हैं। आपको बता दें रीना रॉय लगभग 20 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर है। आखिरी दफा वो JP दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी।